अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। सेक्शन सी से दाखले हमारे बाकी थे, छठे दाखले से हमने बाकी रखा था। तब यहाँ पर सेक्शन सी के छठे दाखले से हम स्टार्ट करेंगे। एक द्विपदी वितरण माटे जो सफर द्विपदी वितरण माटे सफलता की संभावना एक निष्फलता की संभावना करता बमणी हो। सफलता की संभावना निष्फलता की संभावना करता बमणी, यानी अगर निष्फलता एक है तो सफलता दो होनी चाहिए, ठीक है, बमणी होए। तो ये रेशियो में बताया हुआ है हमको, रेशियो में, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर रेशियो में बताई हुई है। अगर सफल निष्फलता यूँ ऐसा लिखा हुआ है, निष्फलता की संभावना करता बमणी होए, तो अगर फर्ज करो कि निष्फलता एक है तो सफलता की संभावना बमणी यानी दो होनी चाहिए। तो 2:1 का मीनिंग होता है 2:3 और 1:3। पी इज इक्वल टू 2/3 और क्यू इज इक्वल टू 1/3। एन बराबर 4 हो तो आ विचरण शू थे, विचरण यानी एन पी क्यू हमको ढूंढना है। एन बराबर 4 दिया हुआ है और 2/3 और 1/3, 4 × 2 = 8 के तकसीम में 9, इसका विचरण आएगा 8/9। दाखला नंबर 7, n इज इक्वल टू 8। निष्फलता की संभावना यानी q इज इक्वल टू 2/3 हो तो द्विपदी वितरण प्रमाणित विचलन, प्रमाणित विचलन ढूंढना है। विचरण क्या है? n p q, तो प्रमाणित विचलन उसको रूट में बताया जाता है, यानी एन पी क्यू रूट में ये हमको ढूंढना है। q इज इक्वल टू 1 - p। अब हमको पता चल जाएगा q अगर 2/3 है तो n 1 - 2/3 करेंगे तो हमको 1/3 p मिल जाएगा। p बराबर 1/3। अब रूट में एन पी क्यू तो 8 ضرب 1/3 ضرب 2/3, 8 × 8 = 16 के तकसीम में 9। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 4 × 16, रूट से बाहर निकालेंगे 16 के तकसीम में 9, तो इसका रूट है 4। 4 का ضرب, 4 को ज़र्ब करते हैं, 4 का 4 की कुव्वत है 16, यानी कि जज़्रुल मुरब्ब, 4 की कुव्वत है 16 और 3 की कुव्वत है 9, तो यहाँ पर 4 के तकसीम में 3 आंसर आएगा। दाखला नंबर 8, एक द्विपदी वितरण ना मध्यक 4 और विचरण 2 है। मध्यक एन पी 4 और एन पी क्यू इज इक्वल टू 2। वितरणना प्राचल यानी n और p ढूंढना है। ये चीज़, ये दाखला 2 मार्क में 3 हर बार आता है। तो q जब q मिल जाता है तो p मिल जाता है, और जब p मिल जाता है तो n मिल जाता है। याद रखना है ये हमको, ये दो चीज़ अगर दाखले में दी हुई हो तो जब q मिल जाता है एक बार तो p मिल जाता है, क्योंकि 1 - p इज इक्वल टू q, और जब q मिल जाता है तो n भी मिल जाता है। एन पी क्यू अपॉन एन एन पी क्यू अपॉन एन पी क्यू इज इक्वल टू एन पी क्यू अपॉन एन पी, तो ये एन पी और ये p दोनों कट हो जाएगा तो हमको q मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसकी कीमत रख के देखेंगे, इसकी कीमत है 2 और इसकी कीमत है 4, कितना आया 1/2। q इज इक्वल टू 1/2, तो 1 - q बराबर p, तो हम एक p के लिए 1 - 1/2 माइनस करेंगे। जब q 1/2 है तो p भी कितना होगा, 1/2 एन पी। अब हमारे को एन पी कितना है हमारा, 4, एन पी है हमारा 4। एन की कीमत हमको पता नहीं है लेकिन q की कीमत हमको पता है, इज इक्वल टू 4। ये हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू 4 × 2 = 8। ये इस तरह का दाखला हर बार एग्ज़ाम में आ सकता है।
दाखला नंबर 9 में दाखले की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक द्विपदी वितरण माटे n इज इक्वल टू 10 क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0.6। तो हमको क्या ढूंढना है, मध्यक ढूंढना है। q माइनस पी दिया हुआ है, q का मतलब आपको पता है 1 माइनस पी, q का मीनिंग क्या होता है 1 माइनस पी। अब q माइनस पी दिया हुआ है तो हम q की जगह पर ये रकम को लिख देंगे, 1 माइनस पी इज इक्वल टू कितना है 0.6। 1 माइनस ये पी और बी पी दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2p इज इक्वल टू 0.6। 2p को साइड पर हटाओ, 1 माइनस 0.6 तो कितना बचा, 2p इज इक्वल टू 0.4। p इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 2, 0.2 पी कितना आया। और n और p यानी n है हमारे पास 10 को 0.2 से ज़र्ब करेंगे तो n हमारे को np कितना मिलेगा 2। 10 को 0.2 से ज़र्ब करके आप देख सकते हैं 2 आंसर आएगा। दाखला नंबर 10, एक द्विपदी वितरण माटे प्रमाणित विचलन। प्रमाणित विचलन का मतलब होता है ये 0.8 है तो निष्फलता की संभावना, निष्फलता यानी क्यू 2/3, सफलता का मतलब 1 माइनस कर देंगे। एक इजी, सबसे इजी मेथड मैं आपको बता देती हूँ, सबसे इजी। आपको कन्फ्यूज़न होता होगा 1/3 किस तरह आता है। एक चीज़ आपको याद रख लेनी है, जो छेद होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, अपॉन में जो तकसीम में जो होता है वो हमेशा सेम रहते हैं, और जो तकसीम में होता है उसमें से ऊपर की रकम को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी ऊपर की रकम मिल जाएगी। जैसे कि 2/3 1/3 तो 3 तो 3 सेम रहेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, इस तरह कर लेना है। तो आ वितरण और मध्यक सोधो। अब ये रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालेंगे, अगर रूट के अंदर 0.8 है, अगर ये रूट के अंदर 0.8 है, रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका ज़र्ब करेंगे, इसको इसकी कुव्वत निकालेंगे 0.8, तो यह आएगा 0.64। एन पी क्यू वितरण इज इक्वल टू 0.64। हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है, इसका मध्यक ढूंढना है। मध्यक ढूंढने के लिए एन पी क्यू इज इक्वल टू 0.64, एन पी हमारे पास है नहीं क्योंकि कीमत हमारे पास है 2/3 और 64 यह इसका आंसर है। एन पी को हटा देंगे अभी साइड पर, 0.64 ज़र्ब 3 के तकसीम में 2, इक्वल की साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0.64 ज़र्ब 3/2 0.96। तो एन टी की पी की कीमत कितनी मिली 0.96। सेक्शन सी के टोटल हमारे 5 दाखले यहाँ पर हुए हैं, सेक्शन डी की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर असतत संभावना वितरण के दाखले हमको करने नहीं है, हमको दाखले सिर्फ द्विपदी संभावना वितरण के ही करने हैं, द्विपदी वितरण के दाखले हमको करने हैं। चौथे दाखले तक संभावना वितरण के दाखले चल रहे हैं, हमको यहाँ पर दाखला पाँचवें में थियरी दी हुई है, गुणधर्म आपको बुक के अंदर से मिल जाएंगे थियरी। छठे दाखले से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर इजी है वहाँ उस दाखले को मैं आधे से छोड़ दूँगी, वो दाखला आपको कंप्लीट करना होगा। रकम पढ़ूंगी अब मैं यहाँ पर, छठा दाखला, निशांत ताकवानी एक रमत माँ, रमेश निशांत ताकवामा निष्फल जाए, निष्फलता यानी क्यू होता है, ये याद रखना है, सफलता यानी पी होता है, छेद सेम रहेगा, 5 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 3। जो तेने निशांत ताकवा माटे 3 प्रयत्नों आपवामां आवे, एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, तो संभावना क्या दी हुई है, तेमाथी 2 प्रयत्नों में निशान ताकवामां सफल थाय
બે પ્રયત્નોમાં એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ નિશાન તાકવામાં સફળ થાય તે ઘટનાની સંભાવના શોધો. આ વિતરણનો મધ્યક જણાવો. મધ્યક બી ઢૂંઢ કે બતાના હે. જાપતા એન સી એક્સ પી એક્સ ક્યુ, યહાં પર લિખના હૈ પી એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ એન માઇનસ એક્સ. થ્રી સી એક્સ કી જગા પર ટુ, થ્રી અપન ફાઈવ ટુ, ટુ અપન ફાઈવ, પાંચ તીન મેં સે દો જાયગા તો એક બચને વાલા હૈ. ઠીક હૈ, તીન સી દો મેં તીન બચેગા, ત્રણ તાલી નવ, પચ પચ પચીસ, દો કે તકસીમ મેં પાંચ, તીન જર્બ નવ દુ અઢરા, પચીસ પચામ એકસો પચીસ, અઢાર દુ છપ્પન, અઢાર તાલી ચોસઠ, અઢાર દુ છત્રીસ, અઢાર તાલી ચોપન, સોરી અઢાર દુ છત્રીસ, અઢાર તાલી ચોપન, કે અપન મેં વન ટ્વેન્ટી ફાઈવ. એન્ડ હમકો ઢૂંઢના ક્યા હૈ, ઉસકે બાદ હમકો રકમ મેં દિયા હુઆ હૈ મધ્યક, યાની એન પી બી ઢૂંઢના હૈ. એન પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન હમારે પાસે તીન ઓર મધ્યક કે લીએ પી પી હૈ હમારે પાસ થ્રી અપોન ફાઈવ, ત્રણતાલી નવ કે તકસીમ મેં પાંચ. ઇઝી દાખલા થા. દાખલા નંબર સાત, એક વ્યક્તિને ધન પૂર્ણાંક એકથી સાતમાંથી એકથી સાત એક દો તીન ચાર પાંચ છ ઓર સાત માંથી કોઈ પણ એક સંખ્યા પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. જો તેણે પસંદ કરેલી સંખ્યા એકી સંખ્યા હોય, એકી સંખ્યા, એકી સંખ્યા ઇસે બોલતે હૈ, તો એક એકી સંખ્યા કિતની હોગી, ટોટલ હૈ સાત, એકી સંખ્યા હોગી એક દો તીન ચાર, ચાર એકી સંખ્યા. અબ ક્યુ બરાબર કિતના, સાત કા સાત, સાત મેં સે ચાર જાયેગા તો તીન, ક્યુ બરાબર ઇતના હો ગયા. અબ જો તેણે પસંદ કરેલા સંખ્યા એકી સંખ્યા હોય તો તે ઇનામ મેળવવાને પાત્ર બને છે. જો આ વ્યક્તિને પાંચ પ્રયત્નો કરવાનું કહેવામાં આવે, એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈવ, તો તે ફક્ત એક પ્રયત્નમાં ઇનામ મેળવવાને પાત્ર બને તે સંભાવનાને, તે ઘટનાની સંભાવના શોધો. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિર્ફ વન, એન સી એક્સ પી એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સી એક્સ પી એક્સ ક્યુ એન માઇનસ એક્સ. ફાઈવ સી વન, ફોર અપોન સેવન વન, થ્રી અપોન સેવન, ફાઈવ માઇનસ વન ફોર. આઈ હોપ આગે કાપ લોગ કરેંગે. એક દ્વિપદી, અબ દાખલા નંબર આઠ, એક દ્વિપદી વિતરણના મધ્યક અને વિચરણ એન પી ઓર એન પી ક્યુ. મધ્યક હૈ દો અનુક્રમે, ઓર એન પી ક્યુ કિતના હૈ, સિક્સ અપોન ફાઈવ, એન પી ક્યુ હૈ સિક્સ અપોન ફાઈવ છે. તો આ દ્વિપદી વિતરણ માટે પી વન અને પી ટુની ગણતરી કરો. યહાં પર હમકો પ્રાચલ એન ઓર પી દિયા હુઆ નહીં હૈ. તો મેં આપકો પહેલે કે દાખલે મેં બતાયા મધ્યક ઓર વિચરણ કે ઉપર સે ક્યુ ઓર પી ઓર એન આસાની સે હમ ઢૂંઢ સકતે હૈ. ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન પી ક્યુ, કે અપોન મેં એન પી, યહાં પર સિક્સ અપોન ફાઈવ કે તકસીમ મેં દો. ઠીક હૈ, તો સિક્સ સિક્સ અપોન ફાઈવ ટુ છે કે તકસીમ મેં દસ, યે હમકો ક્યા મિલા હૈ ક્યુ. છ કે તકસીમ મેં દસ હમકો ક્યુ મિલા હૈ, પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ દસ કા દસ રહેગા, દસ મેં સે છ જાયેંગે તો ચાર બચેગા. અબ યે રકમ કો હમ અગર છોટા કર દેતે હૈ, કાટ દેતે હૈ, તો બેતાલી છ ઓર બે પચામ દસ, બે દુ ચાર ઓર બે પચામ દસ, બે પંચમાંશ ઓર ત્રણ પંચમાંશ. અબ હમકો ઢૂંઢના હૈ એન પી, એન પી કી કિંમત, એન પી કી કિંમત હમકો યહાં પર દાખલે મેં દી હુઈ હૈ દો, પી કી જગા પર હમ રખ દેંગે દો પંચમાંશ. એન ઢૂંઢના હૈ હમકો ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય, એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાંચ દુ દસ કે તકસીમ મેં દો, એન કી કિંમત હમકો મિલી પાંચ. દ્વિપદી વિતરણના સૂત્ર, અબ યહાં પર હમ સૂત્ર રખેંગે, એક્સ બરાબર એક્સ
दो एक्स दिए हुए हमको, दोनों की रकम रख के देखनी है। सबसे पहले हम इसे पहले के पीरियड में हमने किया था उस तरह रख के देखना है। एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, एन सी एक्स एन है हमारा पाँच और ये है दो पंचमांश एक्स और ये है तीन पंचमांश फाइव माइनस एक्स, ठीक है फाइव माइनस एक्स। अब हमको यहाँ पर x की जगह पर कौन सी कीमत रखनी है, एक और दो, दो कीमत हमको x की जगह पर रखनी है। x इज इक्वल टू वन और p x इज इक्वल टू टू, फाइव सी वन टू अपॉन फाइव वन थ्री अपॉन फाइव फाइव माइनस वन फोर, करोगे ना आप लोग, फाइव सी टू टू अपॉन फाइव टू थ्री अपॉन फाइव थ्री, क्योंकि फाइव माइनस टू होता है थ्री। दाखला नंबर नौ कर लेना पूरा कंप्लीट। एक सफरजनना बॉक्स में दस सफरजन बगड़ेला छे, दस सफरजन बिगड़े हुए है, दस टका सफरजन बिगड़े हुए हैं, यानी पी इज इक्वल टू वन अपॉन टेन, क्योंकि 10 सफरजन के 100 टका निकालेंगे तो पूरा होगा कितना 1 अपॉन 10। अब Q इज इक्वल टू 10 का 10 रहेगा, 10 में से एक जाएगा तो 9। बॉक्स माथी यादच्छक रीते पुरवणी रही सहित पसंद करेला 6 सफरजन माथी N इज इक्वल टू 6 बराबर अर्धा सफरजन बगड़ेला मड़े तेनी संभावना शोधो तथा बगड़ेला सफरजनना सफरजननी संख्यानु विचरण मेळवो। अर्धा सफरजन यानी कितने बिगड़ेले होने चाहिए, तीन, x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए थ्री, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, तो सिक्स सी थ्री वन अपॉन टेन थ्री नाइन अपॉन टेन, सिक्स माइनस थ्री कितना होगा थ्री, ये भी कर लेना ठीक है, इजी है, मुझे लग रहा है आपको मज़ा भी आती होगी। एन पी क्यू ढूंढना है, एन पी क्यू में हमारे पास एन दिया हुआ है सिक्स, पी दिया हुआ है वन अपॉन टेन और क्यू दिया हुआ है नाइन अपॉन टेन, टेन टेंजा होता है हंड्रेड, नंग चौपन, तो आंसर आएगा 0.54। हमारे यहाँ पर सेक्शन डी के सारे दाखिले हो गए, सेक्शन ई के दाखले है हमारे दाखला नंबर तीन चार पाँच और छः और सात, पांच दाखले और सेक्शन एफ में एक ही दाखला है, छः दाखले बाकी हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में पार्ट फोर में कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।